लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और अब नजर देश दुनिया की खबरों पर। अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होते आ रहे रजक धोबी समाज के लोगों ने अब अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने को लेकर अपनी आवाज तेज कर दी है। धोबी समाज के लोग लंबे समय से पूरे समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में मंगलवार को धोबी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी भोपाल के राजभवन पहुंचकर राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपते हुए धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग की। समाज के लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की है वह अधूरे आंकड़ों को लेकर पेश की गई है। राष्ट्रीय रजक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर संबंधित मांग को लेकर चर्चा करें, जिसके बाद वह आगे की कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। अभी जो आवेदन दिया है उसमें ये निवेदन किया है कि भारत सरकार को जो रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने भेजी है वो अमान्य अधूरे आधारों पर की गई है, पूर्ण आधार नहीं है। वो पूर्ण आधार भी उनको बता दिए गए हैं, इसलिए इसको सभी जिलों में करने के लिए उनसे निवेदन किया गया है कि फिर से भारत सरकार को रिपोर्ट भेजना। क्या करना वो पूरा आप बताइए। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में धोबी समाज को किया जाए, अनुसूचित जाति। राज्यपाल ने ये कहा है कि पहले आप भारत मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिए और वो जो कहें उसके बाद हमारे पास आइए, फिर मैं यहाँ से भारत सरकार को या जहाँ भी लिखना होगा मैं लिखूँ। तो बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।